हम में से किसी ने भी ना जाने कितनी जाने अनजाने में गलतियां की होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है वो दर्शन नहीं देते हैं। वो दर्शन देते हैं। कैसे देते हैं? जो ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, ऐसे संतों को जब भेजते हैं, हम उनके माध्यम से ईश्वर के दर्शन करते हैं। आज हम सब के बीच में अंतरराष्ट्रीय ध्यान गुरु जी श्री दीपांकर जी महाराज जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। जो कि भिक्षा यात्रा चला रहे हैं, क्या बात है जी, जोरदार तालियों से। इनके माध्यम से सभी सनातनी भाइयों को एकजुट करने की मुहिम चल रही है, क्या बात है महाराज जी। अहो भाग्य हमारे जो मैंने आपके दर्शन पाए, इसी राह पे ये अंजलि द्विवेदी भी चल पड़ी है। सनातन धर्म की ना सबसे बड़ी बात, ना पैसा चाहिए ना दालचीनी, बस सभी हिंदू एकजुट करने की ये मुहिम है। जोरदार तालियों से। ये तो वही बात हो गई ना महाराज जी, एक छोटा सा स्लोगन हमने जारी किया है। भाई आप इधर आ जाओ, मैं भाइयों के मन की बात जानती हूँ। एक छोटा सा स्लोगन जारी किया है लोगों को जागरूक करने के लिए। गली गली ऐलान होना चाहिए हिंदुस्तान में, गली गली ऐलान होना चाहिए। हर बच्चे बच्चे को गीता का ज्ञान होना चाहिए। हिंदुस्तान जैसे देश में रहते हैं, जहां हर मोड़ पे
संतों का आशीर्वाद हम सबको मिल ही जाता है। जय हो, क्या बात है। राम सिया, लेकिन आज की रात सहारनपुर से बहुत जयकार पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देना चाहिए। जिसको सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि विदेशी भी देखना चाहते हैं, उठाओ जरा दोनों हाथ एक बार मुरादाबाद में। जय श्री राम, जय श्री राम। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की ये बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी, जो आज मंदिर का भी कार्य जोरों से। मेरे बालाजी सरकार, मेरे बालाजी सरकार के तो रंग निराले हैं, मेरे बालाजी सरकार के तो रंग निराले हैं। लेकिन भजन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी महाराज जी अपने मुखारविंद से दो शब्द बोले हम सबके लिए। सहारनपुर है यार, काहे ठंड मान रहे हो? क्या बात है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक जाते समय एक सिंगर कहकर गया था कि जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो अपने हृदय को पत्थर मत बनने दीजिए। आपके लिए कई लोगों ने बहुत पत्थर खाए, बहुत पत्थर खाए। अभी राम का जिक्र चला तो थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलूं, मगर उससे पहले शाम को प्रणाम कर फिर तुम्हें राम की दो शब्द सुनाता हूं। उस राम का जिसपे तुलसी का पत्ता पहुंचते पहुंचते बासा हो जाता था, जिसका ऊपर से टेंट फटा होता था और कपड़े बदलने हो तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती थी, मैं उस राम की बात कर रहा हूं। और वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, राम लला। और जब राम लला कोर्ट में जाते थे, जज साहब कहते थे कि राम लला हाजिर हो, तो यकीन मानिए हृदय पर कुठाराघात होता था। उस राम को लेकर जिस राम के नाम पर अयोध्या पति के पिता राजा दशरथ के महल में कहा जाता था, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, जब वही स्थिति बिगड़ती थी जब कोर्ट में बुलाया जाता था। मगर आज मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, अब बात बदल गई, अब है धमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। मगर मैं एक बड़ा श्रेय देना चाहता हूं अंजलि जी जैसे योद्धाओं को। यकीन मानिए इस देश को बदलने से पूरी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, चाहे चीन हो या पाकिस्तान, फर्क नहीं पड़ता। ढोकलाम पर आओगे तो वहां पिटोगे और तवांग में आओगे तो वहां पिटोगे, बचोगे नहीं। यह हिंदुस्तान है और यह बदला हुआ हिंदुस्तान है। मैं दो विषय की बात करना चाहता हूं अंजलि जी आपकी आज्ञा से, क्योंकि आपका वक्त ले रहा हूं। वर्तमान सहारनपुर के देवबंद से एक यात्रा शुरू की है, उस यात्रा का नाम है भिक्षा यात्रा। अब आप सोचेंगे महाराज जी भिक्षा यात्रा की बात कर कहीं दाल चीनी चावल आटे की तो बात नहीं करेंगे या दक्षिणा की तो बात नहीं करेंगे, पर यकीन मानिए ना आपसे दाल चाहिए, ना चीनी, ना चावल, ना आटा, ना तेल, बस जातियों में विभाजित सनातन को एक करना चाहता हूं, यह भिक्षा आपसे मांगना चाहता हूं, यह भिक्षा। बढ़िया बढ़िया। और यकीन मानिए सामने शाम है, शाम कितने हैं? एक। अयोध्या में राम है, राम कितने हैं?
कितने हैं? यह बात भारत माता की सबसे पहले राष्ट्र है, सबसे पहले राष्ट्र। आप यकीन मानिए, यहां से लेकर समूचे गल्फ तक, गल्फ मतलब अरब तक, मुस्लिम मतलब मुस्लिम, बात खत्म। सुनिएगा, सुनिएगा, उसके बाद आपसे प्रश्न होगा। यहां से लेकर अरब तक मुस्लिम मतलब मुस्लिम, बात खत्म। समूचे यूरोप में क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन, बात खत्म। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरिए, ये ठाकुर साहब, ये जाट साहब, ये सैनी जी, ये जुलाहा, ये ब्राह्मण, ये बनिया, क्यों? दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरिए, ये है हिंदू, बात खत्म। वेरी गुड, एक भिक्षा यही है, ये भिक्षा दीजिएगा, ये भिक्षा दीजिएगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगी। पीछे लोग सर्दी मान रहे हैं, दादा मैं पीछे आ जाता हूं। भिक्षा दीजिएगा या नहीं? सबसे पहले राष्ट्र, बाद में कास्ट। सबसे पहले राष्ट्र, सबसे पहले राष्ट्र, बाद में कास्ट। सबसे पहले राष्ट्र, ये आवाज दबनी नहीं चाहिए दादा, और अगर जो दबी तो नुकसान आने वाली पीढ़ियों को होगा, पीढ़ियों को। सबसे पहले राष्ट्र। और दूसरी भिक्षा है नशे की, जो आपके बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर नशे का इतना बड़ा कारोबार होता है। मगर मैं शुभकामनाएं देता हूं सहारनपुर पुलिस को, इन्होंने परसों भी दो नशे के तस्कर पकड़े, एक मियां एक बीवी। तो सहारनपुर पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। मगर एक ही युद्ध जो नशे के विरुद्ध है, उसमें साथ दीजिएगा या नहीं? देखिए मुझे, अगर नहीं देना तो मना कीजिएगा, मैं मान जाऊंगा। अगर आप लोग अपने परिवार के लिए भी खड़े नहीं होंगे ना, तो कल को कोई सन्यासी आपके लिए खड़ा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। एक युद्ध नशे के विरुद्ध, एक युद्ध, एक युद्ध, एक युद्ध। देवबंद कितने लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, हाथ खड़ा कर कर बताइए, देवबंद कितने लोग आते हैं? तो अब जब देवबंद आए तो यकीन मानिएगा, मेरे देववृंद को अब देवबंद मत कहिएगा, वो देववृंद है, देवबंद नहीं, देववृंद। देववृंद वो जहां बाला सुंदरी है, देववृंद वो जहां शाकंभरी है, देववृंद वो जहां पांडव आए थे। देवबंद में कौन आया था, कौन आया था देवबंद में? नाम बिगाड़ कर रख दिए मेरी आस्था, मेरे संस्कार के। और याद रखिएगा, गर्दन से ऊपर छाती नहीं होती, और धर्म से बढ़कर जाति नहीं होती, नहीं होती। और अगर जो दिया नहीं बचेगा तो बाती का क्या कीजिएगा, और जब बचिएगा ही नहीं आप सब, तो जाति का क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा जाति का? इसे हटाइए, पहले राष्ट्र को लाइए, पहले राष्ट्र को। बस इतनी सी भिक्षा मांगने के लिए आपके बीच में आया था। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि अपने अपने अहंकार को छोड़कर राष्ट्र को मजबूत करने के लिए मेरी भिक्षा यात्रा में चलिए या ना चलिए, पर मुझे भिक्षा जरूर दीजिए। और मेरी भिक्षा पहले राष्ट्र, बस इतनी सी है। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। सन्यासी का अधिकार होता है, एक बार में 100 मर्तबा भिक्षा मांग सकता है, 100 मर्तबा। ब्राह्मण 5 घरों से मांगता है एक दिन में, सन्यासी 100 से मांगता है। मैं सिर्फ आप लोगों से मांग रहा हूं, बस मुझे अपने घर से निराश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं देवबंद रहता हूं, देवबंद एक छोटे से शमशान में। मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए, ना धन ना दौलत ना दाल आटा चला चिवरी, कुछ नहीं,
सिर्फ इतनी सी भिक्षा चाहिए। और हाथ जोड़ कर मांग रहा हूं, हाथ फैला कर मांग रहा हूं, अपनी जाति छोड़ दीजिए, रखिए अपनी जाति और उसका सम्मान कीजिए। आपकी जाति का सम्मान है, था और रहेगा, मगर उससे पहले हिंदू बनकर रहिए, राष्ट्र ऊपर रखिए, तब बात बनेगी। आप सबको आपके भीतर बैठे हुए बाबा श्याम को प्रणाम करता हूं। वर्तमान हिंदुस्तान में या तो श्याम है या अयोध्या में राम है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अंजलि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपकी पूरी टीम को, और जो श्याम परिवार मंडल है उसको भी बहुत बहुत साधुवाद आभार कि उन्होंने इस भिक्षा यात्रा के लिए मुझे 5 मिनट दिए। सबको नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार।